आर यू सिंगल, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ये सब मैंने बता दिया है, मैं मेरी फैमिली मुझे देखेगी। तो स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, मतलब कल एग्जाम है और आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्जाम नहीं दे, मेरा कान बंद हो जा रहा है। एवरीवन वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल, मतलब बहुत टाइम बाद वीडियो ना रही हूँ मैं, सो बेस्ट ऑफ लक, तो मैं अपने आप को खुद ही बोल देती हूँ। और आज का टॉपिक है Q&A अबाउट माय लाइफ। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टिकर डाल दिया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अबाउट माय लाइफ। वो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द मोस्ट आस्क्ड वन, मतलब मेरे को पता नहीं लोगों को क्यों जानना है कि मैं सिंगल हूँ या कमिटेड। सो या द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आपकी एज कितनी है और आप सिंगल हो। सो आई एम 26 ईयर्स ओल्ड एंड सिंगल या कमिटेड मैं आपको तब बताऊँगी, मतलब जब भी अगर मैं कमिटेड होंगी मैं तब बताऊँगी, व्हेन यू सी अ रिंग इन दिस फिंगर, तब तक आई एम सिंगल। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये है आर यू अ स्टूडेंट, इन्फ्लुएंसर और वर्किंग इन सम कंपनी। सो बेसिकली हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्योंकि फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ और आई एम एन इन्फ्लुएंसर, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर, यू ऑल नो दैट। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग विद सम कंपनी एज अ कॉन्टेंट हेड, या आई एम डूइंग ऑल ऑफ थ्री विच यू आस्क्ड। हाउ डिड यू स्टार्ट योर कॉन्टेंट क्रिएटर जर्नी? सो वी आर गोइंग बैक टू 2014 वेयर आई डाउनलोडेड इंस्टाग्राम ऐसे ही, मतलब मैंने इंस्टाग्राम को ऐसे ही डाउनलोड कर लिया था। देर वॉज नो मोटिव बिहाइंड कि मुझे कॉन्टेंट क्रिएटर बनना या कुछ भी। सो दैट टाइम मैंने डांस करती थी, आई वॉज इन डांस, देन आई स्टार्टेड टीचिंग डांस, जहाँ से मैंने डांस सीखा वहीं पर मैं डांस सिखाने लग गई। आई डिड 50+ डांस शोज, आई हैव लाइक 50 ट्रॉफीज एंड बहुत सारे सर्टिफिकेट, आई हैव डन अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस एंड आई ऑल्सो वॉन्ट अ लाइक टी वी शो फ्लेम ऑफ डांस, जो साधना चैनल पर आता था, सो वो भी मैंने जीता है। तो मैं अपनी डांस वीडियोज़ की जो क्लिप्स होती थी ना वो डालने लग गई थी इंस्टाग्राम पर, एंड वन ऑफ दोज गॉट वायरल, उसमें से एक बहुत वायरल हो गई। उस टाइम 1,00,000 व्यूज़ थे, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि तब इतने फॉलोअर्स भी नहीं होते थे। आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग माई डांस वीडियो, फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा बचपन से ना बाई गॉड मुझे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक़ था, तो मैं फ़ोटो क्लिक करती थी और मैं रोज़ डालने लगती थी। तो समवेयर आई गॉट लाइक आफ्टर ईयर लाइक 2015 में आई गॉट 10K फॉलोअर्स एंड आई वॉज फीलिंग सो नाइस, दैन ब्रांड स्टार्टेड टू कोलेबरेट विद मी, मतलब दे स्टार्टेड मैसेजिंग मी फॉर यू नो बार्टर कोलेबरेशन, कि हम आपको ड्रेसेस भेज देंगे। फर्स्ट कोलेबरेशन वॉज विद DW, रियली बिग वन, एंड इट वॉज माई फर्स्ट कोलेबरेशन देन, एंड आई वॉज लाइक वाओ ये अच्छा है, फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, फ्री में वॉचेस मिल रही है। देन वहाँ पे फिर एक जैसे म्यूजिकली था ना, तो फिर वो स्टार्ट हो गया था वीगो वीडियोस, वो पहले हाइप स्टार के नाम से था, तो दे स्टार्टेड कनेक्टिंग मी टू लाइक फॉर वीडियोज, जहाँ पे दे वांटेड मी टू क्रिएट 20 वीडियोस ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड दे पेड मी सम काइंड ऑफ मनी एंड आई वॉज लाइक डैम दिस इज अमेजिंग। और साथ में मैं स्पेनिश लैंग्वेज भी कर रही थी और बीकॉम भी कर रही थी ड्यू से, सो आई वॉज हैंडलिंग ऑल ऑफ दोज दैट टाइम। फिर धीरे 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 करते करते नाउ वी आर हेयर, वी आर फैमिली ऑफ मोर देन 350K फॉलोअर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर द लव। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, यू आर सो अपसेट बैक देन, वुड यू लाइक टू शेयर इफ यू आर कम्फर्टेबल? सो ओके, आई कैन नॉट गो डीप इन टू दैट, बट आई कैन शेयर कि हाँ लाइक ऑगस्ट में, लास्ट ईयर ऑगस्ट में आर लाइफ, पूरी फैमिली की लाइफ वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, इट वॉज लाइक 360 degree का पूरा चेंज हो गया था लाइफ में। इट वॉज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट वी हैड विद समवन एंड दे डिड समथिंग विच वी हैड टू फेस इवेंचुअली, एंड इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन, आई एम नॉट सेइंग इट्स स्टिल इट्स ओवर, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है वो सारी चीज़ें, बट नाउ टचवुड लाइक वी आर इन अ बेटर प्लेस एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आई वॉज गेटिंग सो गुड मैसेजेस, लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मैसेजेस मुझे आ रहे थे। सो या दैट वॉज अ टफ टाइम, आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट। वॉट डू यू डू फॉर लिविंग? वॉट वर्क यू डू? सो आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मैंने बहुत पहले अपना इन्फ्लुएंसिंग जर्नी स्टार्ट किया था। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ कंपनी इट नेम्ड विडजी, चलो मैं आपको बता देती हूँ, इट्स विडजी, जहाँ पे मैं कंटेंट हेड हूँ एंड हेल्प ब्रांड विद देयर कंटेंट आइडियाज। दिस गुड वन, माय निकनेम इज गप्पी, ये नाम मेरे पापा ने रखा था और मम्मी मुझे मिलन बुलाती हैं, बट अब दोनों ही कभी मिलन गप्पी बुलाते रहते हैं।
फैशन कोर्स कर रही हो? हाँ जी, आई स्टार्टेड फैशन डिजाइनिंग लास्ट ईयर. सो बेसिकली मुझे बचपन से ना फैशन डिजाइन करने का बहुत मन था. लाइक इट वॉज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू डू. हम नहीं कर सकते थे, उतना विजन नहीं था कि कैसे करना है. एंड देन इट वॉज वेरी कॉस्टली बैक देन. एंड यू नो कि एक रिस्की फैक्टर लगता था, लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है. सो आई डिड बीकॉम फ्रॉम डी यू, देन आई डिड माई स्पेनिश लैंग्वेज जो उन्होंने साथ में की. बट देन वन डे आई वॉज लाइक मुझे एग्ज़ाम नहीं देना. मैं मतलब कल एग्ज़ाम है और आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना और मैं नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम देने. और बी टू लेवल तक मैंने की है स्पेनिश, तो बी टू मेरा कम्प्लीट, बी वन तक मेरा कम्प्लीट था. बी टू का मुझे एग्ज़ाम देना था, विच आई डिसाइडेड कि मैं नहीं दूँगी. जस्ट बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि मेरा इसमें स्कोप नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब. मतलब जो मैं अभी जॉब करूँ डैट इज़ वेरी क्रिएटिव, डैट इज़ वेरी नाइस. आई डोंट गो देयर लाइक 5 days और 6 days. आई गो देयर वंस अ वीक, और कभी कभी वो भी नहीं होता क्योंकि मेरा ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम रहता है. वर्क फ्रॉम होम ही है मेरा वैसे. बट अगर मुझे ऑफिस जाना होता इट्स जस्ट वंस अ वीक. सो मेरे को जॉब नहीं करनी थी. देन जब मैं कॉलेज में थी तभी मैंने फिगर आउट कर लिया था ये चीज़ कि मुझे जॉब करनी नहीं. सो आई ड्रॉप्ड स्पेनिश लैंग्वेज. मुझे था कि मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ घर वालों के. आई वेंट इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन फुल टाइम. तो मैंने बहुत अच्छे से कॉन्टेंट क्रिएशन किया. आई वॉज वर्किंग विद लाइकी एंड दे स्टार्टेड पेइंग मी एंड इट वॉज गुड. मुझे लगता था कि मैं जॉब करूँगी तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जो मुझे कॉन्टेंट बना के मिल रहे थे. तो आई वॉज हैप्पी देयर एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग माई ड्रीम, माई लव. बेसिकली आई एम डूइंग एवरी थिंग आई लव दीज डेज. टच ऑन, आई लव टू मेक वीडियोज, आई लव टू गेट रेडी, आई लव टू डू मेकअप, आई लव टू गेट क्लिक्ड, एंड नाउ आई लव टू डू फैशन डिजाइनिंग. लाइक आई लव टू स्टडी अबाउट फैशन डिजाइनिंग. सो आई स्टार्टेड दैट ओनली. एंड वॉट द जॉब आई एम डूइंग इज एब्सोल्युटली समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर. सो या दैट्स इट. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दी. आपको आइडिया कहाँ से आया कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए? ये आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है इसके लिए? सो जैसे मैंने आपको बताया, आई स्टार्टेड रैंडमली, इट वॉज नॉट प्लान्ड. और मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आया था. मुझे मोटिवेशन तब आया जब मुझे फ्री सामान मिलने लगे और मुझे पैसे मिलने लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इट वॉज ईजी जॉब फॉर मी. मतलब मेरे को बहुत ईजी लगा कैमरा के आगे आना और वीडियोज़ बनाना. ऑल दो इतना ईजी है नहीं. इवन नाउ आई फील समटाइम आई एम ड्रेन बट आई हैव टू वर्क. बट इट वॉज समथिंग आई लव डूइंग इट. सो आई स्टार्टेड डूइंग एंड यही मुझे मोटिवेट करता था. आई लव द फ्रीडम हेयर. जो मेरे पास फ्रीडम है करने की, लाइक इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल देन आई डोंट हैव टू शूट, एंड इफ आई एम फीलिंग वेल देन आई कैन शूट. एंड रात को भी, दिन को भी, सुबह भी, इट्स लाइक इट्स इन माई टर्म. तो मुझे इसलिए पसंद है. दैट मोटिवेट्स मी. आई हैव अ फ्रीडम टू डू इट. सो वैन मेरी फैमिली मुझे देखेगी तो रिलेशनशिप में वैसे नहीं मानूंगी. इट वॉज जस्ट माई किड. लाइक I was just a kid back then. What is your height? Please reply. It will help me styling. I am 5'5 or 5'6, I guess. Age and city, I'm 26 years old and I am from Delhi. आप फैमिली के साथ रहती हो या अलोन? ओके, ये भी मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा है. सो मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ. जिस रूम में मैं शूट कर रही हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ. मेरे घर वाले बाहर जो आदि चीज़ें सुन रहे होंगे मेरी. एंड बट आई ऑल्सो हैव माई ओन स्पेस. मेरे को बहुत साल हो गए. मतलब आई वॉज 18 और 19 व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू हैव माई ओन स्पेस बिकॉज आई वॉज टीचिंग डांस. आई टोल्ड यू मुझे डांस सिखाना था बच्चों के लिए और घर हमारा बहुत छोटा था तो उसमें बच्चों को डांस नहीं सिखा सकती थी. तो आई रेंटेड आउट अ फ्लैट बैक देन कि मुझे बच्चों को डांस सिखाना है. दैट टाइम आई वॉज नॉट इन अ कॉन्टेंट क्रिएशन. आई जस्ट स्टार्टेड लाइक पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉज नॉट गेटिंग एनी थिंग, जस्ट अ फ्यू बार्टर कोलैबोरेशंस एंड ऑल. बट द थिंग इज आई वॉज अर्निंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. मतलब मैं डांस सिखाती थी. आई वॉज हैविंग 4 batches बैक देन, 25 स्टूडेंट्स, जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे और उनकी मम्मियाँ भी थी. उनको मैं जुम्बा सिखाती थी. देन आई ऑल्सो हैड अ अकेडमी जहाँ पे मैं सीखी थी. मैं उनको भी सिखाने लगी थी तो वहाँ से भी मेरी अर्निंग आती थी. तो आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू इन्वेस्ट नाउ इन टू माई बिजनेस. मतलब मुझे अपने आप पे इन्वेस्ट करना है. मेरे को अपनी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है. सो आई रेंटेड आउट अ फ्लैट बैक देन 1 BHK था वो. 2 BHK नहीं था, 1 BHK था. उसको मैंने बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया. वहाँ मैं बच्चों को डांस सिखाती थी एंड वहीं पे मुझे स्पेस मिली टू क्रिएट कंटेंट. फिर वहाँ से मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया. देन आई गॉट अ लॉट ऑफ वर्क. लाइक आई वर्क विद हाइपस्टार, आई वर्क विद लाइकी, आई वर्क अ लॉट ऑफ ब्रांड लाइक स्टीव मैडन एज वेल. सो या दैट वॉज माई स्टार्टिंग. आई रेंटेड आउट अ फ्लैट. फिर हम शिफ्ट हुए यहाँ पे. देन आई अगेन, नाउ आई ऑल्सो हैव अ माई ओन फ्लैट जहाँ पे मैं शूट करती हूँ कभी कभी, नॉट डेली. पूरा रूम है फॉर माई वॉर्डरोब. मैंने पूरे अपने कपड़े रख रखे हैं. एक हॉल है जहाँ पे मैं पूरा शूट करती हूँ. एक रूम है जहाँ पे मैंने मिसलेनियस सामान रखा है. किचन, वॉशरूम, एवरीथिंग इज देयर. आई विल ऑल्सो मेक अ ब्लॉग ऑन दैट कि माई
tour of my studio and also tour of my room. So stay tuned. I live both ways. Dressing sense journey. So dressing sense की कोई journey नहीं थी basically. I just love doing. मैंने लोगों को follow कर लिया था Instagram पे. I used to see them and I started copying them. And तब इतने सारा पैसे नहीं थे to be very honest. I belong to a middle class family. तो इतने पैसे नहीं थे. हम सरोजनी जाते थे. सरोजनी से जो मुझे मिलता था उठाने लग गए. तब बस जो सही चीज़ थी आई थिंक आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड. मैंने डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को. तो आई वाज हैविंग सम फाइनेंशियल फ्रीडम वी कैन से कि हाँ अगर मेरे पास अगर इवन इफ आई वाज अर्निंग 5000 रुपीस दैट टाइम इट वाज अ बिग डील. सो आई नो कि मेरे को जाना है मुझे कपड़े लेने हैं. और जब आपके पास फ्रीडम होती है देन योर सेंस बिकम्स नाइस. मतलब आपका सेंस अपने आप अच्छा हो जाता है. दैट्स अ फैक्ट. About your job and how you easily balance your job life and your social life. जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ it's a pretty hectic. Sometimes I feel drained. Sometimes मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा burn out हो गया है. मुझे कुछ नहीं करना. Motivation everything. क्योंकि this line of a like मैं उसको अपने आप को artist नहीं बोलूँगी but as a creative person it's also very difficult. So I love working on myself. बचपन से मैंने बताया मैंने start कर दिया था. तो I don't like to sit alone and do nothing. But sometimes ऐसा होता है कि अब मैं कुछ नहीं कर रही भाई. मेरे को कुछ मत बोलो ना. मेरे को एडिटिंग करनी है. मुझे शूट करना है. मुझे कुछ भी नहीं करना. तो वो टाइम भी आता है. सो आई गेस इट्स जस्ट लाइक जैसे अभी मेरे कुछ दिन चल रहे हैं बहुत. अब मैंने लास्ट वन मंथ से इतना कोई ब्रेक नहीं लिया. आई एम लिटरली वर्किंग. आई एम टेकिंग माई क्लासेज एवरीथिंग. नाउ आई एम वेन आई एम डाउन देन आई एम डाउन. मतलब मैं फिर एक हफ्ते कुछ नहीं करूँगी. ऐसे भी टाइम पीरियड आते हैं. तो चाय पे चलोगे सो इट्स अ फन फैक्ट अबाउट मी. आई डोंट लाइक चाय. आई डोंट लाइक कॉफ़ी. मेरे को कॉफ़ी सूट नहीं करती. आई हेट चाय. बट आई लव लेमन आइस टी. तो लेमन आइस टी पे कभी तो कोई पूछेगा तो आई विल से यस. ओके सो ये किसी ने पूछा नहीं पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो बी अवेयर ऑफ वॉट इज़ गोइंग ऑन. लेंसेज लगा रही थी मैं बहुत टाइम से और लेंसेज वो एक्सपायर हो गए थे. मैं फिर भी लगा रही थी तो मेरी आँखों का रेटिना मतलब आँखों में ही रेटिना होता है. मेरी रेटिना में स्क्रैचेस आ गए. सो मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे कि आपको भी लेंसेज नहीं पहनने. वैसे शी टोल्ड मी कि आपको 1 week वेट करना है बट इट्स बीन 2 week. मैंने अभी तक लेंसेज नहीं पहने हैं. आई एम लाइक आई हैव माई स्पेक्स राइट है. अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं इसको ऐसे पहन लेती हूँ देख के. अदरवाइज आई जस्ट शूट विदाउट माई स्पेक्स इन बीइंग आधी अंधी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपकी हॉबीज क्या है? I like to watch, I like to sleep. अगर मैं फ्री हूँ और मेरा सब काम कंप्लीट हो गया तो यू आर नॉट सीइंग मी आउटसाइड इवन. आई डोंट लाइक टू गो आउटसाइड. आई एम नॉट अ ट्रैवल पर्सन. मैं मतलब आप लोगों ने मेरे को ट्रिप लेते हुए नहीं देखा होगा. लास्ट ट्रिप मैं गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे सेप्टेम्बर में. अभी क्या 2022 में गई थी. उसके बाद से मैंने कोई ट्रिप नहीं ली है. तो मुझे ट्रिप्स नहीं पसंद. मतलब आई डोंट लाइक टू ट्रैवल दैट मच. और अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ लेट्स सपोज कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है तो शाम को आई कैन गो आउट फॉर मैक्सिमम 2 hours. उसके बाद हवा आई लव टू वॉच नेटफ्लिक्स. मैंने बहुत सारी सीरीज देख ली है. यू नेम इट आई नो इट. टू स्लीप मुझे सोना बहुत पसंद है. बहुत सोती हूँ. मेरे पास कोई काम नहीं. आई विल जस्ट स्लीप. सो स्लीपिंग एंड वॉचिंग इज़ माई ओनली हॉबी. योर स्किन केयर रूटीन एंड अफोर्डेबल कुर्ती हॉल. ये सारे टॉपिक्स अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे. एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक यही है अफोर्डेबल कुर्ती फॉर समर्स. तो स्टे ट्यून्ड. सो दैट्स इट. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन वी हैड. आई होप इससे थोड़ा सा आप लोगों को मेरे बारे में पता चल गया होगा. मेरी लाइफ पता चल चुका होगा एंड मैं कैसे बात करती हूँ वो पता चल चुका होगा. दैट वॉज अ वेरी लाइक मेन पॉइंट. आई वॉज नॉट कमिंग ऑन टू यूट्यूब बिकॉज आई हैव मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है ना. तो मैं बहुत जल्दी बोलने लग जाती हूँ. फिर टंग ट्विस्ट होती है एंड देन आई फील लाइक आई हैव टू वर्क अ लॉट. बट दिस टाइम आई वॉज लाइक ओके यू आर माई ऑडियंस. यू आर माई इंस्टाग्राम फैमिली. यू वांट टू नो मी. सो आई शुड डू दैट एंड आई डिड इट. एंड नाउ ऑल आई हैव टू डू इज सिट डाउन एंड पोस्ट दिस वीडियो. एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आए. एंड आप लोग कमेंट कर देना मुझे लाइक कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को और क्या जानना है मेरी लाइफ में या फिर लाइक टॉपिक्स यू वांट टू सी ऑन माय यूट्यूब चैनल कि आपको क्या देखना है. ट्रैवल में ज़्यादा करती नहीं. सो उसके अलावा आप लोग सजेशन दे सकते हो कि ब्लॉग्स देखने हैं शॉपिंग लिस्ट देखनी है एवरीथिंग एनीथिंग यू वांट टू सी जस्ट कमेंट डाउन बिलो जिससे मैं ये यूट्यूब चैनल को लाइव रख सकूँ और आप लोगों से ऐसी मैं बातें करती रह सकूँ. और या आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.